हाय गुड मॉर्निंग सत आदाब नमस्कार वनकम मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो और आज की गुड न्यूज़ कोई भी नहीं है सब बैड न्यूज़ है क्या करूं यार जो आंकड़े हैं तो आंकड़े हैं मैं तो अपने पास से बना नहीं सकता हूँ जो होगा जो हो रहा है वही आपको बताऊँगा ना लेकिन आपको संभल के रहना है बनाने का बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप संभल के रहिए ठीक है क्योंकि अभी जो आज आंकड़े आ रहे हैं और जो लोग ये बोलते हैं कि सेकंड वेव अभी नहीं आई है जो ज्ञानी लोग जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं इस देश के साइंटिस्ट फलाना ढिमका भाई कब बोलोगे सेकंड वेव जब एक लाख हो जाएंगे केसेस आपको तो पहले ही पता लगा लेना चाहिए सेकंड वेव आ रही है नहीं आ रही है आ चुकी है सेकंड वेव बिल्कुल क्योंकि आज के आंकड़े आपको बता देंगे कि सेकंड वेव आ चुकी है बाईस केसेस आए हैं कल 126 डेथ हुई हैं एक दशमलव आठ नौ एक्टिव केसेस हैं दिसंबर 24 के बाद ये सबसे ज्यादा केसेस हैं इससे ज्यादा आप क्या लोगे सेकेंड वेव को मानने के लिए भाई कोई स्टैंप लगानी पड़ेगी तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ दस हजार से नीचे पहुंच गए थे आज से एक महीना पहले और अब बाईस हजार आठ सौ चौवन केसेस और ये केसेस अभी लगता है अप्रैल तक बढ़ेंगे मिड अप्रैल तक कितना आप ऊपर जाएंगे तीस हजार भी जा सकते हैं चालीस हजार भी जा सकते हैं जैसा मुझे देखने में लग रहा है और ऐसा नहीं है कि खाली अब अब चलो बताता हूँ महाराष्ट्र की कहानी जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में आए तेरह हज़ार छः सौ उनसठ केसेज मुंबई में आए हैं पंद्रह सौ उनतालीस केसेज मुंबई ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पाँच डेथ हुई हैं लेकिन ये ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है ये कहानी सब जगह फैलनी शुरू हो चुकी है और ये होगा ही देश के एक राज्य में और बाकी जगह ना हो ऐसा हो नहीं सकता लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर से इधर जाएंगे तो ट्रैवल करेंगे तो केसेस तो बढ़ेंगे तमिलनाडु में छः सौ इकहत्तर केसेज आए हैं और आता हूँ अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ पहले आपको बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा जी को कोविड हो गया है तो ये बुरी खबर है इसीलिए बता रहा हूं कोविड अभी गया नहीं है जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अभी घूमने का समय नहीं है घूमना है जाना है तो मास्क लगाइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए दिल्ली में तीन केसेस आए हैं और ये भी करीब दो महीने का रिकॉर्ड टूटा है तीन केसेस तीन डेथ हुई हैं पॉजिटिव रेट पॉइंट फाइव टू है टोटल टेस्ट हुए इकहत्तर हज़ार तो दिल्ली वालों ये मत सोचो कि सिर्फ महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं आपके यहाँ भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब मेरे अंडर में तीन पेशेंट एडमिट हुए थे तो मैं आप लोगों से बोलूँगा अभी बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है अभी आ, मत निकलिए घर से फालतू में फालतू में मत निकलो ठीक है और निकलना ही है तो मास्क वास्क लगा के निकलो बहुत सारे राज्यों में छोटे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कोई मास्क नहीं लगाता ये तो खबरें बहुत पहले से हैं दिल्ली के भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कोई मास्क नहीं लगाता है लेकिन वही बात है सब चल रहा है तो चल रहा है भगवान भरोसे तो ये कुल मिला अच्छी खबरें नहीं हैं और ब्राज़ील में डेथ का रिकॉर्ड टूट गया ब्राज़ील में बाईस हजार दो हज़ार दो सौ अच्छासी डेथ एक ही दिन में हो गई है ब्राज़ील में आप सोचिए कितना बुरा मंजर है ब्राज़ील का और कर्नाटका में पहला केस मिला है साउथ अफ्रीका वेरिएंट का जो साउथ अफ्रीका का वायरस है वो मिला है कर्नाटका में तो ये बुरी खबरें थी आज की एक भी अच्छी खबर नहीं है हालांकि आज शिवरात्रि है तो मैं भोलेनाथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा हे भोलेनाथ ये जल्द से जल्द ये केसेस खत्म करें महामारी ख़त्म करें आज के दिन आपसे ये प्रे करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ मदद करें ठीक है चलो अब लेकिन बताता हूँ एक और टॉपिक कि हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है तो जितने भी हॉस्पिटल में जाता हूँ सभी जगह वैक्सीन लगने शुरू हो गई है तो मैंने आज वहाँ पे अपने स्टाफ से पूछा कि कितनी वैक्सीन वेस्ट हो रही है तो उसने बोला कि रोज़ की तीन चार वायल वेस्ट हो जाती हैं क्यों वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग उतने टाइम पर ज़्यादा लोग आ नहीं पाते अगर आप बिठाए रखो कितनी देर बिठा लोगे आप लोगों को कि भाई अभी एक दो और आ जाने दो एक दो और आ जाने तो नेचुरली आप घंटा बिठा लोगे दो घंटा बिठा लोगे तीन घंटा बिठा लोगे उसके बावजूद वाइल वेस्ट हो रही है तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो ये एज का क्राइटेरिया रखा है फोर्टी फाइव एज तक इस क्राइटेरिया को फोर्टी तक कर देना चाहिए क्योंकि एक बात बताइए अगर चालीस साल का लड़का है और उसको किडनी फेलियर है क्या वो वो हाई रिस्क पर नहीं है चालीस साल के लड़के को अगर शुगर बहुत हाई है और उसको और बीमारियाँ लगी हुई हैं हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या वो हाई रिस्क पर नहीं है तो ये जो एज का क्राइटेरिया है मुझे लगता है ठीक है आपने 45 रखा है कोई ना कोई एज ग्रुप क्राइटेरिया तो रखना चाहिए था पर मुझे लगता है जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है उधर महामारी फैल रही है तो हमें जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए लोगों को उसके लिए यही है कि एज के क्राइटेरिया को थोड़ा बड़ा कर दें थोड़ी और ब्रॉडन कैटेगरी करें जैसे मोटापा है उसको भी डालें हाई रिस्क कोम ऑर्बिड कंडीशन में जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए और वैक्सीन वेस्ट भी ना हो अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है तब तो ठीक है लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज भी अगर नहीं है और वैक्सीन वेस्ट भी हो रही हैं और लग जिनको जरूरत है उनको लग नहीं पा रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को वायरल करें और भेजें सरकार तक कि ये जो एज का पैंतालीस साल का क्राइटेरिया है इसको नीचे करके चालीस साल करें विद कोम कंडीशन अगर चालीस साल के लोगों को से ऊपर के लोग हैं जिनको बीमारियाँ हैं तो उनको भी वैक्सीन जल्द से जल्द लगनी चाहिए थैंक यू वेरी मच एक मेरी रिक्वेस्ट थी है और अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक और मेरी सलाह तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और इस हैश टैग करके इसको पी एम ओ तक पहुँचाने की कोशिश करें कि वैक्सीन वेस्ट हो रही हैं तो बेटर होगा कि जितने ज़्यादा लोगों को लग जाए वैक्सीन उतना ज़्यादा अच्छा इसके लिए हमें अपने क्राइटेरिया को थोड़ा और ब्रॉडन करना पड़ेगा थोड़े और ग्रुप को शामिल करना पड़ेगा थोड़ी सी एज को नीचे लेके आना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा पाएँ थैंक यू वेरी मच आपका अपना मुना भाई एम बाय और लेकर आता रहूँगा इसी तरह की गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी वैसे ही लेकर आऊँगा अपने पास से बना के आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता हूँ और अगला वीडियो मेरा है कि मेरे साथ क्या हुआ मेरी एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी जो मैंने बताया था आज ही उसी को अभी एक घंटे बाद उसको अपलोड करने जा रहा हूँ देखिएगा वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ मेरी एंटीबॉडी कोविड आईजीजी बनी है या नहीं बनी है और क्या करना चाहिए मुझे वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए थैंक यू वेरी मच बाय